तापसी पन्नू ने एक बार फिर बिखेरा रैंप पर जलवा। मगर तापसी का इस बार अंदाज कुछ जुदा था। तापसी रैंप पर तो चली, मगर इस बार एक डिजाइनर साड़ी में। तापसी के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में अपना अपना मकाम बनाने वाली महिलाओं ने भी रैंप वॉक किया, जिसमें नील बटे सन्नाटा और बरेली की बर्फी जैसी फिल्मों की डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी का नाम भी शुमार है। बहरहाल तापसी ने अलग अंदाज में रैंप पर चलने के अपने अनुभव को कुछ यूं बयां किया। This always will stay close to my heart, even though I'm an actress or no, doesn't really matter. Just that I'm happy that I'm relevant for people to listen कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ इस टॉपिक पर। तो बुलाते हैं मुझे ऐसे इवेंट्स पे, और ऐसे इवेंट्स पे जाना ज़्यादा स्पेशल बन जाता है, क्योंकि आप अपने काम से बढ़कर कुछ हैं मतलब। तो अब जाके स्पेशली ऐसी औरतों से मिलना जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कुछ अचीव किया है, और वो मुझसे काफ़ी सीनियर और मुझसे काफ़ी अक्लेम, मैं उनको हमेशा मानती हूँ। मैंने तो शायद शुरुआत ही करी, उन्होंने काफ़ी कुछ अकम्प्लिश कर लिया, बट एक तरह की इंकरेजमेंट होती है कि ठीक है, तुम इस गैदरिंग में होने लायक हो और कुछ करने लायक हो आगे। तो वही कह सकती हूँ, ऐसी गैदरिंग में आके एक जज्बा और एक जोश आ जाता है कि तुम जिस डायरेक्शन में चल रहे हो वो अच्छा है और चलते रहो उस डायरेक्शन में। विमेन एम्पावरमेंट को हाईलाइट करने वाले इस रैंप शो के लिए चलने के बाद तापसी ने कठुआ रेप केस पर कुछ इस तरह से अपनी राय रखी। मैंने अपना ओपिनियन अपने सोशल मीडिया पे वहाँ पे डाला था कि ये एक कोई भूल गया है क्या कि लड़की की बात हो रही है। मेरे को तो सडनली लड़की से ज़्यादा सिर्फ एक रिलीजन की आवाज़ सुनाई ज़्यादा दे रही है, तो वो मुझे तो एक से ज़्यादा डिसबिलीफ होता है कि ऐसी बातें हो रही हैं। सो इस टाइम पे सब ये लग रहा है कि बहुत हमने ना एक लड़की को, अपनी एक सिटीजन को बहुत बुरा और एकदम वर्थलेस फील कराया है ऐसी बातें कर भी। तो आई जस्ट होप कि जल्द से जल्द किसी भी तरह का उसका जस्टिस मिले, इतनी ही प्रे या उम्मीद कर सकती हूँ। उससे ज़्यादा तो अब मजाक बन चुका है इस चीज़ का। रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।